नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्ञाननाथ तिवारी, सह आचार्य MIT विश्वविद्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश। आज आपसे कक्षा स्तर पर विज्ञान में नियोजन 5E पाठ योजना इस विषय पर चर्चा करूंगा। और हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि कौन सी पाठ योजना के नवीन उपागम हैं जो कि परंपरागत उपागमों से भिन्न है। विज्ञान एक ऐसा विषय है जहाँ पर बहुत सारे क्रियाकलापों के बारे में बात की जाती है, और इसीलिए इस विषय में जितनी भी व्यवहारवादी शिक्षा उपागम हैं, जितने भी व्यवहारवादी पाठ योजनाएँ हैं, उनका उपयोग कम करने की संस्तुति की जाती है। और इसी प्रकार इसके लिए 5E उपागम को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। जो भी व्यवहारवादी शिक्षा शास्त्री हैं वो परंपरागत उपागम की बात करते हैं, लेकिन जो रचनावादी शिक्षा शास्त्री हैं वो पाठ योजना के परंपरागत उपागमों को बहुत यांत्रिक मानते हैं। यांत्रिक मानने का अर्थ ये है कि वे यह मानते हैं कि इसमें विद्यार्थी बहुत सारी चीज़ें सिर्फ याद करता है और समझने का प्रयास नहीं करता, और इसीलिए रचनावादी शिक्षा शास्त्री यह प्रयास करते हैं कि वो ऐसे विकल्प के रूप में 5E पाठ योजना को दें जिससे विज्ञान विषय में विद्यार्थी नई चीज़ें सीख पाए, नवीन ज्ञान समझ पाएँ, और उनके जो धारणाएं पहले से बनी हुई हैं वो धारणाएं बदली जा सके। विज्ञान में बहुत सारी धारणाएं हैं जो पहले से बनी होती हैं, जो कि गलत भी हो सकती हैं। तो यह प्रतिमान विद्यार्थियों को विज्ञान कक्षा में खोजी गई घटनाओं के विषय में उनकी धारणा बदलने में बहुत ही सहायक होता है। और इस प्रतिमान में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो परंपरागत रूप से उनके मन में धारणा है उसकी वो जांच कर सके और ये जान सके कि वो धारणा कितनी ठीक है या उसमें कितने बदलाव की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम ये जानते हैं कि सूरज उगता है, बारिश होती है, तो धर्म के आधार पर भी या जो प्रचलित मान्यताएं हैं उनके आधार पर भी विद्यार्थियों के मन में बहुत सारी धारणाएँ होती हैं। बिजली के चमकने को, बरसात के होने को या भूकंप आने को विद्यार्थी एक पुरानी धारणा से जोड़ के समझ सकते हैं। यह प्रतिमान जिसे हम 5E उपागम कहते हैं, यह विद्यार्थी की धारणाओं को बदलने में बहुत अधिक सहायक होता है। अब आपके मन में यह जिज्ञासा होगी कि ये 5E उपागम क्या है और इसे हम 5E उपागम क्यों बोलते हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। वास्तव में ये जो उपागम है ये 5 महत्वपूर्ण संप्रत्ययों पर आधारित है। ये संप्रत्यय उन के बारे में बात करते हैं जो अंग्रेजी भाषा के ई वर्ण से प्रारंभ होता है, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा के ई वर्ण से प्रारंभ होता है, इसीलिए हम इसे 5E या 5E कहते हैं। ये 5E कौन से हैं इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला है इंगेज। इंगेज जैसा कि नाम से स्पष्ट है और जिसका अर्थ है संलग्न करना। यह जो चरण है, इस चरण में एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वो विद्यार्थी को विभिन्न गतिविधियों में संलग्न करे। अब ये गतिविधियाँ कौन सी होंगी और ये इसमें विषय वस्तु क्या होगा, ये विषय वस्तु वही होगा जो शिक्षक ये चाहता है कि विद्यार्थी को बताई जाए। संलग्न करने का अर्थ क्या है और वो पहले के परंपरागत पाठ योजना से कैसे भिन्न है, वो इस तरह से भिन्न है कि इसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से सहभाग करता है। पाठ के विकास में और उस संप्रत्यय को समझने में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सक्रिय सहभाग करता है, तो इसीलिए हम इस पहले चरण को संलग्न करना या एंगेज कहते हैं। जो दूसरा चरण है जिसे हम अंग्रेजी में एक्सप्लोर कहते हैं, जो दूसरा ई है, इसका अर्थ है अन्वेषण करना या खोज करना। खोज करने या अन्वेषण करने का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि जो संप्रत्यय विद्यार्थी को बताए गए उसके बारे में और जानकारियां जुटाना। तो यह कार्य शिक्षक का नहीं है। आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि परंपरागत शिक्षण जो पाठ योजना है उसमें शिक्षक की भूमिका अधिक थी, परंतु इस 5E में, विशेषकर इस चरण में, विद्यार्थी की भूमिका अधिक है। विद्यार्थी को ऐसी गतिविधियां कराई जाती हैं जिससे वो संबंधित विषय में और अधिक अन्वेषण करता है। तीसरा जो चरण है वो है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्याख्या करना या चीज़ों को समझाना। अब परंपरागत जो पाठ योजना है वहाँ पर प्रस्तुतिकरण होता है, जबकि यहाँ पर हम इसको व्याख्या करना कह रहे हैं। दोनों में क्या भिन्नता है? एक सामान्य से भिन्नता है कि परंपरागत जो पाठ योजना है वहाँ पर शिक्षक की भूमिका बहुत अधिक है और
विद्यार्थी की भूमिका कम है, व्याख्या करने का दायित्व तो सिर्फ शिक्षक का है, लेकिन इस पाठ्य योजना में जो कि 5E पाठ्य योजना है, यहाँ पर व्याख्या करने का दायित्व तो विद्यार्थी का भी है। शिक्षक जो व्याख्याएं करता है, विद्यार्थी की क्या समझ है उस विषय के बारे में विद्यार्थी भी अपने शिक्षक से साझा करता है, तो विज्ञान के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है एलोबरेट, जो चौथा ई है, जो हम 5E में से जो चौथे की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ होता है विस्तार करना। विस्तार करने का अर्थ आप समझते हैं, इसका अर्थ है फैलाओ। तो जो ज्ञान विद्यार्थी ने अर्जित किया उसमें और कितनी गहराई से वो चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री या मुद्रित सामग्री आप दे रहे हैं, और उसके आधार पे विद्यार्थी खुद ढूंढ रहे हैं कि उसमें और क्या चीज़ें हो सकती हैं। जो ज्ञान सीखा गया उसका वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है, इसको भी करने का प्रयास करते हैं, और इस प्रकार वह ज्ञान और अधिक स्थायी हो जाता है। जो पाँचवा महत्वपूर्ण चरण है वो है इवेल्युएशन, जो सबसे अंतिम चरण है, और ये पाँचवा ई है जिसमें विद्यार्थी के लिए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि पूरे पाठ योजना में विद्यार्थी ने कितना सीखा, कैसे सीखा, सीखने में क्या कमी रह गई, और किस प्रकार से विद्यार्थी अपनी समझ को व्यक्त कर पा रहा है। तो इसमें हम विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग कर सकते हैं, हम इसमें क्विज पूछ सकते हैं, हम इसमें पहेलियाँ बुझा सकते हैं, हम इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दे सकते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न दे सकते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न दे सकते हैं, या मौखिक प्रश्नों के माध्यम से भी पूछा जा सकता है, बहुत सारे क्रियाकलाप भी कराए जा सकते हैं, और इस प्रकार ये विद्यार्थी का मूल्यांकन करने में सहायक होती है। तो ये जो 5 चरण हैं इसके माध्यम से हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब आपके मन में यह जिज्ञासा होगी कि इन 5 चरणों का प्रयोग कैसे करना है, तो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से एक एक चरण के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। आशा है कि आपको आसानी से समझ में आएगा। इसका एक प्रकरण हम लेते हैं, और एक प्रकरण है इसका, बहुत ही सामान्य प्रकरण है जो अक्सर विज्ञान के शिक्षक प्रयोग करते हैं अपनी कक्षा में। ये प्रकरण है पौधों में पोषण। पौधों में पोषण जो प्रकरण है, इसके माध्यम से हम एक एक चरण को समझने का प्रयास करते हैं। पहला चरण है, जैसा मैंने बताया था, संलग्न करना या एंगेज करना। इस चरण में विद्यार्थियों को, अगर हम पौधों में पोषण की बात करें, तो हम इस बात की योजना बना लेते हैं कि वो कौन से तत्व हैं जो किसी भी पौधे में पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। हम एक किसी तत्व को लेते हैं और आसपास जो घटनाएं होती है उनसे विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए इस पाठ योजना में हम एक एक एक, एक 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 काम देते हैं विद्यार्थियों को कि वो मौसम के बारे में पता लगाए, और विद्यार्थियों से कहते हैं कि हम आसपास जाइए और ये देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में मानसून की स्थिति क्या थी। मानसून भारत में बहुत महत्वपूर्ण है, और बारिश किस प्रकार वहाँ के पेड़ पौधों को प्रभावित करती है। इस प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी ये समझ पाएंगे कि पौधों के लिए पानी का क्या महत्व है। इसके साथ साथ हम उनसे एक गतिविधि और करा सकते हैं। उनसे हम कहें कि उन जगहों पर जाएं जहां पर बारिश ज़्यादा होती है, और उन जगहों पर जाएं जहां पर बारिश कम होती है, और उन दोनों जगहों पर जो पौधे हैं उनमें किस प्रकार का विकास होता है वो इसकी तुलना करें। या अगर ऐसा नहीं कर सकते तो घर पे ही या आसपास के जगहों पर उन दो पौधों की तुलना करें जिनमें एक को पानी मिल रहा है और दूसरे को पानी नहीं मिल रहा है। तो ये जो पानी मिलना है उसका क्या प्रभाव पौधे पर पड़ता है। विद्यार्थियों से ये भी कहें कि उनके जो अवलोकन के परिणाम हैं वो उनको कहीं लिखें और आपसे साझा करें, पूरी कक्षा से साझा करें। तो ये पहला चरण हो गया। ऐसी जो पहला चरण हमने जिसकी चर्चा की उसके माध्यम से आसानी से विद्यार्थी इन सारे तथ्यों को समझ सकेंगे। दूसरे चरण में जो दूसरा चरण है वो एक्सप्लोर है, अन्वेषण करना, जिसे हम खोज करना भी कहते हैं। इसमें विद्यार्थी कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेगा, जैसे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्यों बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या आवश्यकता होती है, जल की क्या आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की क्या आवश्यकता होती है। तो विद्यार्थी इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं, और इनको जानने के लिए हम उन्हें विभिन्न प्रकार की जो दृश्य सामग्री है, जो श्रव्य सामग्री है और जो मुद्रित सामग्री है, ये देते हैं। विद्यार्थी उनका अध्ययन करते हैं, और उनका अध्ययन करने के उपरांत ये जान पाते हैं कि पौधों के लिए क्या क्या तत्व आवश्यक हैं। ये जो चरण है, इस चरण में
विद्यार्थी स्वयं खोजता है, स्वयं अन्वेषण करता है, तो निश्चित रूप से ये परंपरागत जो पाठ्य योजना उससे बहुत भिन्न है। और इस प्रकार की पाठ्य योजना में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विद्यार्थी और अधिक जुड़कर अपनी चीज़ों को समझ पाए। तीसरा जो चरण है वो है एक्सप्लेन या व्याख्या करना। जैसा हमने पुराने पाठ्य योजना में देखा कि ये जो पाठ्य योजना है वो अधिक शिक्षक केंद्रित है, परंतु जो 5E पाठ्य योजना है जिसे हम रचनावादी पाठ्य योजना बोलते हैं ये विद्यार्थी केंद्रित है। और इस चरण में शिक्षक जो उपलब्ध संसाधन है उससे कुछ सरल प्रयोग करेगा। जैसे एक प्रयोग ये कर सकता है कि जिसमें वो बता पाए कि सूर्य का प्रकाश पौधों के लिए कैसे आवश्यक है। एक पौधे का कुछ हिस्सा हो जिसको सूर्य प्रकाश से हम वंचित रखें, एक ऐसा पौधा हो जिसको सूर्य के प्रकाश में रखें और विद्यार्थी से कहें कि वो अवलोकन करे, तो वो समझ जाएगा कि सूर्य के प्रकाश का क्या महत्व है। इसी प्रकार हम ऐसे और भी सरल प्रयोग कर सकते हैं जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड के महत्व को समझ पाएगा। इन दोनों का महत्व प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या है इसको समझने के लिए ये जो प्रयोग हैं जिनका आप प्रस्तुतिकरण विद्यार्थी के सामने करेंगे वो बहुत सहायक होंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षक प्रयोग करेगा और विद्यार्थी केवल सुनेंगे, इस प्रक्रिया में भी विद्यार्थी पूरा सहभाग करेंगे। और जब ये प्रक्रिया समाप्त होगी तो शिक्षक विद्यार्थियों को यह अवसर प्रदान करेगा कि वो अपने शब्दों में बता पाएं कि उन्होंने क्या समझा, पहले प्रयोग से क्या समझा, दूसरे प्रयोग से क्या समझा और जितनी भी गतिविधियां कराई गईं व्याख्या के लिए उनके माध्यम से क्या समझा। परंपरागत शिक्षण में विद्यार्थी को शिक्षक से अधिकांशतः सुनने का अवसर मिलता था, परंतु व्याख्या करने के 5E उपागम या 5E उपागम में विद्यार्थी बहुत सारी गतिविधियाँ करता है, बहुत सारे प्रयोग करता है और इस प्रकार वो जान पाता है कि इस संप्रत्यय का क्या महत्व है। तो ये जो 3 चरण हैं इसके उपरांत जो 4th चरण है जिसमें हम बात करते हैं विस्तार करने की और जिसे अंग्रेजी में हम एलोबरेट करते हैं। एलोबरेशन का अर्थ होता है कि कैसे ज्ञान का और विस्तार किया जाए। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो कुछ सीखा उसको और गहराई से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जो पौधों के साथ विभिन्न समस्याएं होती, बहुत सारे पौधे होते हैं जो मुरझा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो विद्यार्थियों से ये कहा जाएगा कि वो जाने कि ये जो पौधे हैं वो क्यों विकसित नहीं हो पाए, या जैसे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां टूट के गिर जाती हैं पौधों की, तो उसका कारण क्या है। निश्चित रूप से विद्यार्थी ये जान पाएगा कि ये सब कुछ पौधों के पोषण से संबंधित है। और यह जो चरण है इसमें विद्यार्थी गहराई से विषय की समझ विकसित कर पाते हैं और ये जान पाते हैं कि पौधे किस प्रकार पोषण प्राप्त करते हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। और इन तत्वों को समझने के लिए वास्तविक गतिविधियों के माध्यम से इस चरण में विद्यार्थी समझ पाता है। अब इस चरण का एक और उपयोग है, शिक्षक इस चरण में उन विद्यार्थियों की पहचान कर सकता है जो बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं और उनकी भी पहचान कर सकता है जो बहुत धीमे से सीख रहे हैं। तो अधिगम की गति के आधार पर शिक्षक को थोड़ा सा बदलाव इस चरण में करना होता है। यदि विद्यार्थी तेज़ी से सीख रहे हैं तो उनकी सहायता से पूरी कक्षा में इस अवधारणा की चर्चा की जा सकती है, लेकिन जो विद्यार्थी धीमी गति से सीख रहे हैं उनको इस प्रकार के सहयोग शिक्षक और अच्छे विद्यार्थी करते हैं जिससे वह भी यह समझ पाए कि यह संप्रत्यय क्या है, कौन से तत्व हैं जो पौधों के पोषण में सहायक हैं। और उदाहरण के लिए आप विद्यार्थियों को ऐसे विद्यार्थियों को ऐसा काम दे सकते हैं जिसमें वह इसकी सूची बनाएं कि कौन कौन से तत्व हैं जिनका प्रभाव पौधे के विकास पर पड़ता है और अगर उन तत्वों को न दिया जाए या समुचित न दिया जाए तो किस प्रकार वो पौधे के विकास को बाधित कर सकता है, किस प्रकार उसको नकारात्मक रूप में प्रभावित कर सकता है। तो इस चरण में शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों की सहायता से वो विद्यार्थी जो धीमी गति से अधिगम कर रहे हैं उनको समझा सकता है कि इस संप्रत्यय का क्या अर्थ है और पौधे के पोषण में कौन से तत्व हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम बात करेंगे अंतिम चरण की, जो 5वां चरण है जो कि परंपरागत जो पाठ्य योजना उसमें भी है जिसे हम मूल्यांकन कहते हैं और इसको अंग्रेजी में इवैल्यूएशन कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है यह मूल्यांकन
केवल यह नहीं है कि विद्यार्थी को अंक प्रदान किए जाएं, मूल्यांकन यह है कि विद्यार्थी ने दिए गए जानकारी, दिए गए ज्ञान में से कितना ग्रहण किया, उसको कितना ज्ञान है जो समझ में आ गया, कितना ज्ञान है जो विद्यार्थी समझने के उपरांत अपने वास्तविक जीवन में प्रयोग कर सकता है, उस ज्ञान का विश्लेषण कैसे करता है, उस ज्ञान का संश्लेषण कैसे करता है, जो ज्ञान उसने सीखा क्या वो उसका मूल्यांकन कर सकता है, ये सारी चीज़ें हम मूल्यांकन के चरण में समझते हैं। तो इसके लिए शिक्षक बहुत सारी मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करता है, जैसे क्विज का प्रयोग कर सकता है, बहुत सारी पहेलियों का प्रयोग कर सकता है, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ सकता है, छोटे छोटे प्रश्न पूछ सकता है जिसके माध्यम से विद्यार्थी समझ जाए, या यदि कोई संप्रत्यय अधिक विस्तार से समझना है तो उसके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ सकता है। वह विकल्पीय प्रश्न होते हैं जिसमें एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर होते हैं, तो विद्यार्थियों से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनके माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके साथ ही बहुत सारे मौखिक प्रश्न होते हैं जो छोटे प्रश्न होते हैं, उनके माध्यम से विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जा सकता है। पाठ के दौरान और पाठ के उपरांत भी मूल्यांकन की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। इसमें जो मूल्यांकन होता है, क्योंकि विज्ञान विषय है तो आवश्यक नहीं कि केवल सैद्धांतिक रूप से मूल्यांकन किया जाए, विद्यार्थी कितना समझ पाए इसके लिए आप कुछ गतिविधियां उनसे करा सकते हैं जिन गतिविधियों के माध्यम से उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम ये बताएं कि पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, या पौधे को जल की आवश्यकता होती है, या पौधे को किस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है, तो विद्यार्थियों से कह सकते हैं कि वो ऐसे उदाहरण सोचें, ऐसे प्रयोग सोचें जो कि किए जा सकते हैं और जिनके माध्यम से विद्यार्थी ये समझ पाएँ कि कौन से ऐसे तत्व हैं जो पौधे के पोषण के लिए आवश्यक हैं। मैंने आपको जो उदाहरण दिया उसमें पौधे के पोषण का उदाहरण लिया, आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आप जल के जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, द्रव्य की अवस्थाएं हैं, उनका उदाहरण ले सकते हैं, आप बल का, आप ऊर्जा का, और विभिन्न प्रकरणों को, विज्ञान के प्रकरणों को 5E उपागम के माध्यम से शिक्षण अधिगम उनको दे सकते हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि विद्यार्थी को कैसे अधिक जो है संलग्न किया जाए, कैसे विद्यार्थी को वो सारी चीज़ें समझाई जाएँ, कैसे विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर इस चीज़ का विस्तार कर सकते हैं, कैसे विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर इसकी व्याख्या कर सकते हैं, और कैसे विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो एक विज्ञान शिक्षक के रूप में 5E उपागम या 5E उपागम, जिसे हम 5E अप्रोच बोलते हैं अंग्रेजी में, उसका प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। और मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि यदि आप अपनी कक्षा में इस उपागम का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों को परंपरागत उपागम की तुलना में अधिक बेहतर तरीके से ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो इस जो चर्चा थी उसमें हमने विभिन्न परंपरागत उपागमों से और 5E उपागम की तुलना भी की, और ये देखने का प्रयास किया कि कैसे ये जो उपागम है वो उस उपागम से भिन्न है और बेहतर है, और कैसे विद्यार्थी इनका प्रयोग करके अधिक बेहतर तरीके से विज्ञान के संप्रत्यय को समझ सकते हैं। धन्यवाद। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने।
भी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बनके दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए। NIOS के संग। घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं। क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो, प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्र केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज ना लगे होने पर
आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने हम अपना दीपक स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुने जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो मित्रों हम उठे और जागे मंजिल आने की ध्वनि सुने हम अपना जीवन स्वयं बने हम अपना बनिए प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों